नमस्कार दोस्तों, देखिए आज सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा नंबर। देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करने बोल रहा है। तीन विधि है, तीनों में से कोई एक विधि से बनाने बोल रहा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। दो गो कार है जो कि नाम दिया गया है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है ए और बी कार, ही अलग अलग चाल पर सेम ही दिशा पे आती है। तो बोल रहा है दोनों गाड़ी की चाल ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए ए और बी कार है, यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी है, अलग अलग चाल पर चलती है, तो यहाँ पे 5 घंटे बाद मिलती है, तो यही कार की चाल बताने बोल रहा है। तो मानेंगे हम लोग, माना ए से चलने वाली कार की चाल एक्स किलोमीटर तथा बी से चलने वाली कार की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तब लिखेंगे प्रश्न से, देखिए दो गो कार है, दोनों सेम दिशा में चलती है और टोटल दूरी 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है। तो डायरेक्ट एक समीकरण बन जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, काहे कि एक्स और वाई ये दोनों का दूरी है 100 किलोमीटर, तो ये निकल गया। अब समीकरण सेकंड निकालने के लिए पुनः प्रश्न से लिखेंगे, देखिए दोनों कार 5 घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो पश्चात में क्या होता है, घटाव होता है, पहले बताए थे कुछ सवाल में। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर, दूरी टोटल लिख देंगे 100, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 100 फर्स्ट समीकरण, फिर समीकरण सेकेंड पाई 5x माइनस 5y बराबर 100, ई समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स को घटाने के लिए समीकरण फर्स्ट में एक्स का गुणज को यहाँ समीकरण सेकेंड में करेंगे, फिर समीकरण सेकेंड को एक्स का गुणज समीकरण फर्स्ट में करेंगे। अब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y बराबर 500, फिर 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा, चिन्ह परिवर्तन करेंगे कटाने के लिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए ई वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10y बराबर यहाँ पे 400, वाई बराबर 400 बाय 10, 10 से कटा 40 बार में तो y का वैल्यू 40 निकल गया। देखिए b का वैल्यू निकल गया, हम लोग वाई को हम लोग बी मान के चले हैं, तो बी कार का चाल कितना है 40। अब समीकरण फर्स्ट को लेकर चलेंगे और एक्स का मान निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर एक्स प्लस वाई की जगह पे 40 रखेंगे बराबर 100, तो एक्स बराबर 100 माइनस 40 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू रहेगा तो 60 बच जाएगा। तो ई एक्स किसको माने हैं, ए को, तो ए वाला कार की चाल कितना है 60 है, ई सेकेंड आंसर हो गया। यही हम लोग को दिखाना था। धन्यवाद दोस्तों।